अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, आज डेट है 7th of Feb, कल है 8th Feb और कल है पाकिस्तान में वोटिंग। और मैं और मिसेस जीएम जा रहे हैं फॉर वोटिंग, अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि हमारा पोलिंग स्टेशन लगता है गांव में। और क्या नाम है इसका? हैप्पी वैग। ये जो है ना हैदराबाद में कबाब जी फ्राइड चिकन के बिल्कुल अपोजिट ये है। यहाँ पे हमने जो है ना बिल्ली के लिए खाना वाना ले लिया है और अब हम जाने लगे हैं गांव। बच्चियाँ ओए आमना सो चुकी है क्योंकि जल्दी उठ गई थी मेरे साथ, और मरियम इज अबाउट टू स्लीप। हम लोग अपने पाकिस्तानी होने का हक पूरा कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं वोट डालने लगा हूँ। आई नो थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं तो डाला है, थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन और इसके लिए स्पेशली पेट्रोल साड़ के जो है ना अपना गांव जा रहे हैं हम लोग। जी नहीं, हम वोट देने स्पेशली तो नहीं जा रहे, झूठ नहीं बोले। मतलब हम जा रहे थे तो वोट भी दे देंगे ना, तो समझा करो ना बात को यार, आप एक्सपोज ना करें। चलो, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। अब ये है हमारा छोटा सा गाँव, मैं और मेरे ताया जी हम लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, मेरे हाथ में पर्ची है, वो है मिसेस जीएम की, क्योंकि यहाँ पे ये चाचा जी हमें सलाम करने आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैर। तो यहाँ से सामने से पर्चियाँ लेके हम लोग गए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जी हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल ही है हमारे गांव का और इसके अंदर वोटिंग चल रही थी। वोटिंग इज़ डन भाई, वोट डाल दिया है। अल्लाह करे हमारे मुल्क की तकदीरें बदल जाए इस वोट से। और शर्ट में बताऊँगा नहीं मैंने किसको डाला है, और इसका रीज़न स्ट्रिक्टली जब हमें इलेक्शन के टाइम बड़ा क्या बोलते हैं राजदारी के साथ हमें एक बूथ दिया जाता है कि पब्लिकली अनाउंस नहीं करूंगा मैंने वोट किसको डाला है। हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मैं बता दूं ये बात। ये मैंने जिसको डाला है मुझे खुद नहीं पता मैंने किसको दिया। ये अब वोट जाया करने वाली बात है, वो थे ही नहीं साइंस, मतलब वो निशान साइंस थे ही नहीं होते जो मुझे चाहिए थे। हाँ, तो गांव आए हुए हम लोग, यहाँ पे आजाद उम्मीदवार भी हैं और भी बहुत सारे साइंस हैं जिनका पता ही नहीं है हमें, तो वही जो पता है भाई बल्ला शेर और तीर। सही है, तो भाई ये हो गया, अब हम लोग गांव की लाइफ एंजॉय करने निकल गए हैं। और वीडियो में लंबी नहीं करूंगा, यहीं पे हम वीडियो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को तरक्की दे और ऐसे हुक्मरान दे जो वाकई मुल्क की तकदीर बदल सकें। उमर बिन खत्ताब जैसे तो लीडर्स मिल नहीं सकते, लेकिन हम लोग खुद बदल जाए इंशाल्लाह, तो हो सकता है हमारे हुक्मरान भी हमें अच्छे मिले। तो इसी थॉट के साथ जान लेते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।